नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आईसीसी विश्व कप 2019 के 34वें मैच में भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार जीत हासिल हुई। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज की टीम को करारी शिकस्त देते हुए उसे मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर ग्राउंड में थोड़े बहुत नहीं बल्कि पूरे 125 रन से शर्मनाक हार दी और भारतीय कप्तान विराट कोहली 72 रन की पारी खेलकर चुने गए मैन ऑफ द मैच। एक तरफा मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 268 रनों का स्कोर खड़ा किया, जबकि जवाब में पूरी वेस्टइंडीज की टीम मात्र 143 रन पर ही सिमट गई। और इसी के साथ ही वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरी बार भारत लगातार 5 मैच जीतने में कामयाब हो गया और 36 साल बाद भी वेस्टइंडीज इंग्लैंड की धरती पर भारत से अपने हारने के रिकॉर्ड को तोड़ पाने में कामयाब नहीं हो पाई। पिछली बार साल 1983 में फाइनल में तो इंडिया वेस्टइंडीज से जीती थी, लेकिन उसी साल भारत को वेस्टइंडीज के हाथों हार का मुंह भी देखना पड़ा था। 1983 के फाइनल से मात्र 10 दिन पहले जब अन्य टीमों में फाइनल में पहुंचने की होड़ लगी थी, 15 जून 1983 को वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड की धरती पर भारत को 66 रनों से मात दी थी, यानी कि पूरे 36 साल पहले। तब से लेकर आज तक भारत ने वेस्टइंडीज टीम के सामने कभी घुटने नहीं टेके और हमेशा विजयी ही हुई। मैनचेस्टर में 27 जून को खेले गए मैच को मिलाकर भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 127 वनडे खेले गए हैं, जिसमें से वेस्टइंडीज को 62 में वहीं इंडिया को 60 मैचों में जीत हासिल हुई है, जबकि 2 मुकाबले टाई रहे हैं और 3 मैचों का नतीजा ही बेनतीजा रहा है। और अगर सिर्फ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक 9 मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत को 6 मैचों में बल्कि वेस्टइंडीज को मात्र 3 ही मैचों में जीत मिल सकी है। वो साल 1983 ही था जब वर्ल्ड कप के फाइनल में वेस्टइंडीज टीम को हराकर भारत ने विश्व कप पर कब्जा किया था और 27 जून को टीम इंडिया से हार के बाद विश्व कप के पहले 3 टूर्नामेंट्स 1975, 1989 और 1983 में से 2 बार विजेता और 1 बार उप विजेता का गौरव रखने वाली टीम वेस्टइंडीज इस मैच को कभी याद नहीं रखना चाहेगी। बता दें कि 2019 विश्व कप में बुरे दौर से गुजरी वेस्टइंडीज टीम 27 जून की हार के बाद सेमीफाइनल रेस से बाहर हो गई है, जबकि टीम इंडिया के खाते में पॉइंट्स टेबल में 11 पॉइंट्स हो गए हैं और अब तक अजेय रहे भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मात्र एक ही टीम के साथ जीत हासिल करनी होगी। बता दें कि पॉइंट्स टेबल में भारत इस जीत के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो पहले ही खुद को सेमीफाइनल्स का दावेदार घोषित कर चुका है और फिर न्यूजीलैंड और भारत 11-11 अंकों के साथ सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड से ज्यादा भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस हैं। वहीं इंग्लैंड अभी इस रेस में 4th नंबर पर बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे के मैचेस खेलने के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी अन्य 3 टीमें कौन सी होंगी। इस सस्पेंस का खुलासा होने का इंतजार हम भी बेसब्री से कर रहे हैं।